पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगी आग अब लोगों के घर तक पहुंच चुकी है। 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपये 40 पैसे तक की बढ़ोतरी आई है। दाम में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल का दाम 105 रुपये 41 पैसे, डीजल का दाम 96 रुपये 67 पैसे और CNG 72 रुपये तक महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल और CNG के दामों से परेशान आज ओला कैब ड्राइवर सड़कों पर आकर सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। हमारी पहली मांग तो है जिसके बगैर हम वापस नहीं उठेंगे, किराया बढ़ाया जाए और उसको सरकारी मैकेनिज्म के दायरे में लाया जाए। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लागू हो और ऐप बेस्ड कंपनियों पे नकेल कसी जाए। तीसरी और सबसे बड़ी, एक ड्राइवर आयोग तैयार हो जिससे हमारा सोशल जो स्टिग्मा है, जो हमारे साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार हो ताकि सच सामने आए कि ड्राइवर की गलती है या कस्टमर की गलती है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मैडम। पहले जहाँ का किराया 250 रुपये था, CNG 30 रुपये थी, अभी भी वहाँ का किराया 250 रुपये है, CNG 70 रुपये है। गर्मी आ गई, अब हमारा AC भी चालू होता है। पहले हमारी गाड़ी 18 की एवरेज देती थी, अब हमारी गाड़ी 16 AC के साथ 14 की एवरेज देती है। और किराया भी जहाँ पर 350 रुपये का हमारा CNG डलती थी, आज हमारी CNG डल रही है 600 रुपये की, जिससे हमारा ना तो घर का खर्च चल पा रहा है और कमीशन भी हमारा 25 से 35% कमीशन है। फैमिली में परेशानी है, बच्चों की फीस नहीं दे पाते, कोई अगर बीमार हो जाए तो लोगों के मुंह देखने पड़ते हैं, कर्जे उठाने पड़ जाते हैं ब्याज पे। अगर गाड़ी का बीमा कराने जाएं तो हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें ब्याज पे पैसे उठाने पड़ जाते हैं, इतनी कमाई नहीं है तो हम लोगों को बच नहीं रहा इसमें। मेन बात ये है क्योंकि जो कंपनी हमें दे रही है 8 रुपये किलोमीटर 7 रुपये किलोमीटर, उसमें हमारा घर नहीं चलता। 2000 रुपये काम करते हैं तो 800-900 की गैस लगती है, 1000 रुपये भी नहीं बचता हमें पूरे दिन में। 12-13 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो 700-800 रुपये हम घर लेके जाते हैं, उसमें ना हमारी गाड़ी की किस्त भरी जाती है ना हमारे खर्चे पूरे होते हैं। अभी ना तो कोई कंपनी हमारे सामने प्रदर्शन को लेके मांग के सामने आई है और ना ही सरकार, कोई दोनों में से किसी सरकार ने हमें कोई आमंत्रण नहीं किया है। हम जब तक हड़ताल चलाएंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा।